मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे ही होंगे मेरी तरह, एंड मैं भी बहुत अच्छा ही हूँ। बस थोड़ा सा आज लेट हो रखा हूँ, और कल रात थोड़ा सा लेट सोया यार। मतलब मैं पहले सो गया था, फिर मेरे रात को एक बार नींद खुल गई, और उसके बाद जल्दी से नींद आई नहीं। थोड़ी सी नींद ऐसी सी है, तभी थोड़ी मैं भी शायद आपको मेरी आंखों में भी दिख रहा होगा, छोटी छोटी स्क्रैच की दिख रही होगी। तो अब क्या करें यार, ऑफिस भी जाना जरूरी है, नींद तो अब क्या करेंगे, देखते हैं वापस जब आएंगे उसके बाद क्या करते हैं, जब जाते नहीं जाते। आज हिम्मत हुई तो जाऊँगा, नहीं हुई तो नहीं जाऊँगा, रेस्ट कर लूँगा थोड़ा। लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी फिलहाल करते हैं आज के दिन की शुरुआत और चलते हैं सड़कों पे। लेट्स सी सड़कों का क्या हाल है, एंड फटाफट से पहले मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर निकलता हूँ और सीधा आपको मिलता हूँ रस्तों पे, ठीक है। और अभी मैं बस अपने घर के बाहर ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। तो लेट्स सी आज कब पहुँचते हैं। एक यार कल रात ना नींद पूरी नहीं हुई सबसे पहली चीज, और अब उस नींद ना पूरी होने की वजह से ना दिन भर जो धक्की आने वाली है ना, तो लेट्स सी करेंगे उसका भी इलाज। और यार मैं कॉफ़ी लेना भूल गया, मेरे को कॉफ़ी लेके जाना था घर से, मैं वो भी लेना भूल गया जल्दबाजी में। यही होता है आप छूटते हो ना और लेट निकलते हो, तो ऐसी ना जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें रह जाती है। बस आए हो ज़्यादा जाम वगैरह अपने को ना मिले, क्योंकि इस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद जा रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2 या 1.5 हफ्ते बाद जा रहा हूँ इस वाले टाइम पे, वरना मैं अब गाइस ऑलमोस्ट 12 मिनट में आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और पीछे आ रही है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस के लिए दरवाजे थोड़ी सी जगह खाली। भाई कभी भी तुम्हें एम्बुलेंस दिखे ना यार, किसी को तुम जगह दो ना दो, इसको जरूर जगह देनी है, क्योंकि भाई खुदा ना करे कल को ये दिन आपको भी देखना पड़ सकता है, आपका कोई अपना प्यारा एम्बुलेंस में भी हो सकता है। अभी तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसके पीछे लग जाते हैं, इसके आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं, बट कभी अगर आप उस सिचुएशन में पड़े होगे ना, तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि भाई हम क्या करते थे। तो प्लीज़ जब भी आपको एम्बुलेंस दिखे तो भाई इसको स्पेस ज़रूर दे दो। तो फिलहाल तो मैं पहुंच गया हूँ ऑफिस, ये दीदी को भी उड़ा देता मैं, बच गई दीदी, ऑफिस पहुंच ही गया बस ऑलमोस्ट। चलते हैं करते हैं आज के दिन की शुरुआत ऑफिस में, लेट्स सी आज कब होते हैं फ्री। गाइस बैक ऑन द रोड। अरे भाई साहब, भाई सबसे पहली चीज ठंड हो रही है। मौसम ठंडा है यार, मतलब हवा ठंडी है एकदम मस्त बढ़िया वाली, एंड आई होप सबको एंगल वेंगल सब कुछ बराबर आ रहा होगा और मेरी आवाज़ भी। तो भाई निकल चले रोज की उसी दौड़ में, लड़ाई लड़ने जाम से। तो अभी फ़िलहाल हूँ मैं CR पार्क के अंदर, एंड लेट सी आज कितना जाम मिलता है, आज कुछ है क्या। गुरुद्वारे पे भीड़ हो रही है थोड़ी, बाकी भाई कुछ है तो किसी को पता हो तो बता देना कि कल कुछ था, क्योंकि आप लोग कल नेक्स्ट डे देखते हो ना ब्लॉग।
भाई आज तो अंदर भी ट्रैफिक हो रहा, बाहर भी ट्रैफिक हो रहा, क्या ही से चलेगा। ये देख भाई को कहाँ जाना है। तो यहाँ पे ट्रैफिक हिलता डुलता तो दिख रहा है मेरे को, पर है भाई ट्रैफिक है। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि ट्रैफिक है ही नहीं, ट्रैफिक तो हो ही रहा है। और एक जाम वाले सेक्शन के चक्कर थे ना, तो लेनी देनी हो रही है ना पेट्रोल के लोगों की, वो अलग है। रास्ते भी ऐसे हैं ना यार हम लोगों के यहाँ के कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ट्रैफिक भाई दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। गवर्नमेंट लगी हुई 15 साल वाली गाड़ियाँ बंद करने में, पर स्टिल ट्रैफिक बढ़ ही रहा है। अभी देखा जाए दिल्ली में भी बहुत गाड़ियाँ हैं, अगर आप नॉर्मल गाड़ियाँ भी देख के चलो वो भी बहुत ज़्यादा ही हैं। तो लो जी लग गया जाम, ये मेरे हिसाब से आगे होगी कोई रेड लाइट। ये पूरा ट्रैफिक एक बार में तभी मूव करता है जब वो रेड लाइट ग्रीन हो जाती। तो फिलहाल भाई यहाँ तक का तो मामला ठीक लग रहा है, आगे मूविंग ही दिख रहा है मेरे को। शायद आज कम जाम है, मैं तो चाहता ही हूँ भाई कम ही हो, बाकी चल के देखता कि मैं बीच में क्यों रुक गया। भाई नीचे से भी ट्रैफिक मस्त मूव हो रहा, ऊपर भी ट्रैफिक मस्त मूव हो रहा, अच्छा सा लग रहा है मैंने गलती कर दी क्या नीचे से आके। ये ट्रैफिक तो मस्त मूव हो रहा है, ऊपर इसी स्पीड से चलता है ट्रैफिक, स्पीड से भी चल ही रहा है। अभी लाइट होगी सब थम जाएंगे, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी। तो भाई स्पीड चेकआउट करना मेरी और उन स्प्लेंडर वाले भाइयों की जो आगे जा रहे हैं। डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे हम, कितने पे 70 और वो कितने पे होंगे 75। अभी मेरे पास से कट मारते हुए गए है, बड़ी देर से मेरे आगे ही चल रहे हैं और मैं इनको पीछे नहीं कर रहा हूँ जान के। इट्स टाइम, मेरे को लग रहा है दो बंदे सीधे निकल जाएंगे। जगह मिले वहां से निकल लो, बस देख के निकलो। दोस्तों 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जिम, और यार अपने सोने की दिक्कत भी रहती है कभी कभी, मैं भी भूल जाता हूँ यार मैं डेली व्लॉग बना रहा होता हूँ। अरे मैं तैयार हूँ, मैं जाने लगा एकदम से याद आया मैंने, अरे मैं तो शूट करना ही भूल गया। फिर वापस आया, लाइट वाइट जलाई, अब आपसे बात कर रहा हूँ। सो 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ जिम, और बाहर हो रही है बारिश। सो लेट्स सी, आज तो बारिश वाला टाइम तो हमेशा होता है भाई, जिम में कम लोग आते हैं। चल के देखते हैं कितने लोग आए हैं कितने नहीं आए हैं, और करते हैं आज एक्सरसाइज। आज करेंगे हम चेस्ट की एक्सरसाइज, छाती भाड़ देंगे भाई साहब। चलो तो जैसे कि मैं बोल रहा था, देख लो हो रही है बारिश, अब अच्छा है, अच्छा है भाई। अपने पास ये है जैकेट, और हम सर को ढक लेंगे अपना इस कैप से, चलते जिम को। बारिश वाले दिन होता अपना जिम खाली, तो पूरा जिम खाली है। पूरा जिम गाली है भाई, हम गिनती के कुछ लोग हैं। हैवी बॉडी बिल्डर आया जिम में,
आप लोग से मैं एक ही शेयर करता हूँ आज। अब मेरे दोस्तों को तो पता है यार मैं कितनी बार आता जाता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। मैंने आई गेस जब मेरे एनएस थी 2017 या 18 के आसपास स्टार्टिंग में मैंने राइडिंग वगैरह मतलब प्रॉपर राइडिंग मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर उसी राइडिंग के थ्रू, बाइक के थ्रू और अपने दोस्तों के थ्रू ही लगा लो मैं यूट्यूब के अंदर आया। एंड लोगों को मैं देखता था, जैसे उस टाइम पे यार मैं मोस्टली देखता था मुंबई कर निखिल को देखता था, जेएस फिल्म्स को देखता था। जेएस फिल्म्स भी जो है, जो जसविंदर पाजी हमारे भाई, उनका भी चैनल तब इनिशियली पे ही था और वो स्टार्टिंग मतलब कर ही रहे थे, तब मैंने उनको उस टाइम देखा हुआ है जब वो सिर्फ अपना एक छोटा सा गोप्रो होता था उनके पास, वो से वीडियो बनाते थे अपने एवेंजर के ऊपर घूमते थे। और मेरे को याद है जब दिल्ली के अंदर पहली ड्यूक 390 आई थी नई वाली, जो मतलब मेरे पास वाला मॉडल है उसका जो पहला एडिशन आया था वो, तो तब मैं अपनी एनएस बुक करने गया हुआ था। तो उस टाइम वो बाइक करोलबाग के अंदर बग्गा लिंक जो है वहाँ पे आ रखी थी। तो तब पहली बार मैं उस इंसान से मैं वहाँ मिला, तो वहाँ पे वो अपना छोटा सा वही गोप्रो लेके, गोप्रो था पर एसजे कैमरा था, ध्यान नहीं मेरे को, छोटे से कैमरे के साथ वो वीडियो शूट कर रहे थे। और मैं उनको वही देख रहा था कि यार अभी से ये इसमें लगे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तब बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था। हम ऐसे लोगों को देखते थे और ज़्यादा लोगों को देखने की आदत होती नहीं थी। सो फिर अब आप देख लो भाई, 2017 और आप चल रहे क्या 2022-23 पे आ गए। तो 2017 पे अगर मैं भी उनके साथ लग के कंटिन्यू अगर मैं रहता 18 में, तो शायद आज मैं भी किसी एक अच्छे लेवल पर पहुँच रखा होता, कुछ होता। तो यार मेरे अंदर भी है कि मैं गिव अप कर देता, पर पूरी तरह ठाने के यार गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे। एंड बस मेन मेरा मोटिव ये यार गिव अप नहीं करना, ठीक है। कुछ हो, कैसा भी कंटेंट आए, अच्छा हो बुरा हो यार, क्योंकि यार देखो हर फेस आता है लाइफ में सबके, कुछ दिन अच्छे होते हैं कुछ दिन बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ही मैं लेके चलूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा यार, मैं बना रहा हूँ डेली। बट मैं जानता हूँ यार आप लोग भी मेरा डेली रूटीन देखते देखते शायद बोर ना हो गए हो, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा हर दिन कुछ नया हो, हर दिन कुछ अलग लेके आऊँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए अलग दिन बस ये, अगर हो सके तो मेरी स्टोरी सुन के थोड़ा सा मोटिवेट आप लोग हो सकते हो, कि मेन चीज़ है यार आप कुछ भी करो, मैं ये नहीं कह रहा आप यूट्यूब करो कुछ या फिर ये सब चीज़ें करो, रील्स बनाओ, ऐसा करो, मतलब मेरा तो बस कहने का बस इतना सा ही मोटिव है कि यार आप कुछ भी करो, जो भी कर रहे हो ना, जो आप अपने पैशन के तौर पर करना चाहते हो और आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर, उसमें गिव अप मत करो भाई, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई कब तुम्हारा पैशन कहाँ से कहाँ लेके पहुँच जाए, ठीक है। तो बस यही था आज का टॉपिक, ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ तक बने हुए हो तो भाई, चैनल पे नए हो सबसे पहले तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक वीडियो देख ले तो भाई लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है। और बहुत बहुत प्यार सभी लोगों को जो लोग मेरी वीडियो देखते हो और रोज़ाना देख रहे हो। एंड कल नहीं मेरी वीडियो आई थी तो बहुत से लोगों को मैसेज भी आए थे मेरे को कि यार क्या हो गया वीडियो अपलोड नहीं करी, सब ठीक है। मैंने हाँ भाई सब ठीक है, मैंने बस जस्ट एक ब्रेक लिया था कि कुछ कंटेंट मिला नहीं था, मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा था और मैं थोड़ा सा बिजी भी था, बारिश भी हो रही थी, तो ज़्यादा ऐसा कुछ मैं बना नहीं पाया था। सो बस करते इसी नोट पे अपनी इस वीडियो को एंड, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।